हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेरी हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ लास्ट मिनट दिवाली भैया दूज आउटफिट्स। आगे बहुत सारे वेडिंग्स भी आने वाले हैं, आप किसी भी फंक्शन में इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइस, एज यू कैन सी कि मैंने अपना बेस मेकअप ऑलमोस्ट कम्प्लीट कर लिया है। आज मैं आपके साथ सिर्फ आई मेकअप ही शेयर करने वाली हूँ। आई मेकअप मैं बिल्कुल सिंपल करने वाली हूँ, जो मेरे सभी आउटफिट्स को कॉम्प्लीमेंट करेगा। और ये बिल्कुल गो टू आई मेकअप है। सबसे पहले अपने ब्यूटी क्लेस की पैलेट यूज़ करूँगी और मैं ये लाइट पीच कलर अपने ट्रांजिशन एरिया पर लगा रही हूँ और इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। देन मैं ये रेडिश कलर ले रही हूँ और इसे अपनी क्रीज में ब्लेंड करूँगी। और मैंने यहाँ यूज़ किया है मॉर्फी का ब्रश, ये पॉइंटेड ब्लेंडिंग ब्रश है। सेम कलर को मैं अपने आउटर वी में भी लगाऊंगी और अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। देन मैं यूज़ करूंगी स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो, ये ग्लिटरी आई शेडो है। इसे मैं अपने आईलिड पर अच्छे से लगा लूँगी, क्योंकि दिवाली है, ग्लिटर आई मेकअप बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही इजीली हो जाता है और ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ मेहनत से आई लुक क्रिएट किया है। क्योंकि ये लिक्विड आई शेडो है, इसलिए मैं इसे एक दो मिनट तक ड्राई आउट होने के लिए छोड़ दूँगी और तब तक मैं अपनी आईज़ क्लोज रखूँगी। इसके कॉर्नर्स को मैं फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइन्स नहीं रहें। नेक्स्ट मैं ये रेड शिमरी कलर ले रही हूँ और इसे इन दोनों कलर्स के बीच में लगाऊंगी ताकि ये ब्लेंडेड दिखें। और अब मैं सेम मैट शेड से अपनी लोअर लैश लाइन को भी स्मोक आउट कर रही हूँ। यहाँ मैंने यूज़ किया है पेंसिल ब्रश। आईलाइनर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे का एब्सोल्यूट लाइनर। और अब मैं यहाँ लोअर लैश लाइन पर प्लम का कोल लगा रही हूँ और मैं यहाँ पर थिक लाइन क्रिएट करूँगी। सो गाइस, माय लैशेज आर ऑन। अब मैं लिक्विड आई शेडो को अपनी लोअर लैश लाइन पर लगाऊंगी। मैं इसे सिर्फ 1/3 पोर्शन में ही लगा रही हूँ। मैं अपनी लोअर लैश लाइन पर मस्कारा लगाऊंगी। अपने ब्राउ बोन और इनर कॉर्नर्स को मैं हाइलाइटर से हाईलाइट करूंगी। फेस्टिवल सीजन है फ्रेंड्स, तो ब्राइट लिप्स ही अच्छे लगते हैं। पहले मैं यहाँ यूज कर रही हूँ रेड लिप कलर। इसके बाद मैं इसे थोड़ा सा टोन डाउन करूंगी बिकॉज माई कुर्ती इज वेरी सटल और मैं इसके साथ पेयर करने वाली हूँ बहुत ही कलरफुल दुपट्टाज, इसलिए मैंने अपने लिप्स और आईज को थोड़ा सा ब्राइट रखा है, ग्लिटरी रखा है। इस कुर्ती को मैंने अमेजोन से परचेज किया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये ऑरेलिया ब्रांड की है, बहुत ही अच्छा फैब्रिक है। नेक्स्ट मैं ये कलर पॉप का न्यूड शेड ले रही हूँ और इसे अपने लिप्स के सेंटर में लगाऊंगी ताकि ये कलर थोड़ा सा टोन डाउन हो जाए। इसे अपने फिंगर से इस कलर के साथ ब्लेंड कर दूंगी। सो गाइस, फेस्टिवल्स हैं तो बिंदी तो बनता ही है। अब मैं अपनी इसी कुर्ती को अपने डिफरेंट दुपट्टास और लोअर्स के साथ पेयर अप करूंगी। ये लुक्स आपको अच्छी लगेंगी। सो गाइस, अपनी फर्स्ट लुक में मैंने इस कुर्ती को पेयर किया है ये सिल्क के दुपट्टा के साथ, जो कि येलो कलर में है। मुझे बहुत ही पसंद है येलो कलर। इस दुपट्टा में और भी बहुत सारे कलर्स हैं, इसलिए मैं इसे अपनी किसी भी कुर्ती के साथ पेयर अप कर सकती हूँ। और इसे मैंने पेयर किया है अपने वाइट ब्लॉक हील सैंडल्स के साथ। अब फेस्टिवल सीजन है तो बिंदी तो अच्छी लगती ही है, इसलिए मैंने येलो कलर की बिंदी लगाई है। और झुमकास मैंने पहने हैं ग्रीन और वाइट पर्ल के, जो कि मेरी ड्रेस को पूरी तरह से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं।
इस लुक को आप आने वाले वेडिंग सीजन में किसी भी छोटे से फंक्शन में क्रिएट कर सकते हैं। सो गाइज, अपने नेक्स्ट लुक के लिए मैंने बिंदी और लिपस्टिक का कलर चेंज कर लिया है। ये मेरा फेवरेट लुक है गाइज, और मैंने झुमकास भी अपने चेंज कर लिए हैं। यहाँ पर मैंने पेयर अप किया है इस कुर्ती को अपनी जयपुरी दुपट्टे से। ये बहुत ही पुराना दुपट्टा है, मेरी शादी से भी पहले का दुपट्टा है, लेकिन मुझे ये बहुत ही पसंद है। ये प्योर सिल्क का दुपट्टा है फ्रेंड्स, इसे मैंने बहुत ही संभाल कर रखा है। इस लुक के लिए मैंने अपनी जूतीस को पेयर अप किया है। मुझे जूतीस बहुत ही पसंद है, काफ़ी फेस्टिव फील देती हैं और बहुत ही कंफर्टेबल भी होती हैं। इस लुक को मैंने अपनी सिल्वर ज्वेलरी के साथ इसलिए पेयर अप किया है क्योंकि रेड यूजुअली बहुत ज़्यादा ब्राइट लगता है, तो अगर हम उसे गोल्ड ज्वेलरी के साथ पेयर अप करते हैं किसी लाइट फंक्शन के लिए तो वो बहुत ज़्यादा गॉडी लुक देता है। सिल्वर ज्वेलरी के साथ ये काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है। नेक्स्ट लुक के लिए इस कुर्ती को मैंने पेयर किया है ये शॉर्ट जैकेट के साथ। इसे मैंने गोल्डन कलर में ही बनवाया है और मैंने ये शॉर्ट जैकेट बनवाया है। इसे मैंने कटवर्क फैब्रिक में बनवाया है ताकि मैं इसे अपनी सभी कुर्तीज के साथ पेयर अप कर सकूं। इस लुक के लिए मैंने अपनी साइड ब्रेड को ही साइड बन में कन्वर्ट कर दिया है और मैंने यहाँ पर ये पर्ल के हूप्स पहने हैं। इस लुक के साथ भी मैंने अपनी पंजाबी जूतीस को ही पेयर अप किया है, बट अगर आप हील्स पहनते हैं तो इसके साथ डेफिनेटली आप हील्स पहन सकते हैं। और अब फोर्थ लुक के लिए मैंने इसे पेयर किया है मेरे सिल्क ब्रोकेट पैंट्स के साथ। मुझे ये पैंट्स बहुत ही पसंद हैं, इसे भी मैं डिफरेंट तरीके से स्टाइल करती हूँ। इस कुर्ती के साथ ये बहुत ही अच्छा लुक दे रहा है और ऊपर से मुझे थोड़ा सा प्लेन लग रहा था इसलिए मैंने ये दुपट्टा इसके साथ ले लिया है जो कि मेरे एक दूसरे सूट के साथ का है। अगेन, अगर आप हील्स पहनते हैं तो डेफिनेटली इस लुक के साथ हील्स पहनिए, बहुत ही अच्छा लुक देगा। बट क्योंकि मुझे हील्स कंफर्टेबल नहीं लगते इसलिए मैंने इसे जूतीस के साथ ही पेयर अप किया है। इस लुक के साथ भी मैंने अपनी सिल्वर ज्वेलरी ही कैरी की है। ये मेरे सिल्वर झुमकास हैं, मुझे ये काफ़ी पसंद है क्योंकि पिंक और सिल्वर बहुत ही अच्छा सा कूल टोन लुक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और अपनी लास्ट लुक के लिए मैंने इस कुर्ती को पेयर किया है ब्रोकेट स्कर्ट के साथ। दुपट्टा मैंने वही सेम कैरी किया है। ये लुक भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि दुपट्टा और स्कर्ट काफ़ी कलरफुल हैं, तो इस कुर्ती को ये काफ़ी अच्छा टीम अप कर रहे हैं। किसी भी लाइट फंक्शन के लिए ये काफ़ी अच्छी ड्रेस है। आने वाले वेडिंग सीजन में आप इसे मेहंदी फंक्शन के लिए भी क्रिएट कर सकते हैं। डे टाइम के लिए ये काफ़ी अच्छी लुक है। इस लुक के साथ मैंने पेयर किए हैं ये मेरे हैवी इयररिंग्स, मुझे ये बहुत ही पसंद है, वेडिंग सीजन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये लुक्स आपको अच्छे लगे होंगे। नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। बाय गाइज़।